नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में जो है दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है स्विच गियर। ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल रिले पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया। और डिफरेंशियल रिले में दो रिले होता है, एक करंट बैलेंस सिस्टम होता है, एक वोल्टेज बैलेंस या EMF या पोटेंशियल बैलेंस सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें करंट बैलेंस सिस्टम को आपको पढ़ा दिया गया। उसमें जो कमी थी वो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक करंट बैलेंस सिस्टम में एक चीज़ बाकी था, इसमें रिले CT के SD के पैरेलल में जुड़ा होता है, CT के SD के वाइंडिंग के पैरेलल में जुड़ा होता है। CT के SD मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल गया था लिखवाना, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, वोल्टेज बैलेंस सिस्टम होता है। तो दूसरा वाला हम क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज बैलेंस सिस्टम, ये आपका लास्ट है, अब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए दरअसल बात यह है ना कि लोग सोचते होंगे कि कितना ज़्यादा इसमें पढ़ाया जा रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए कि सिलेबस का अगर एक एक पॉइंट आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर उसे चर चर लाइन में पढ़ाएंगे ना, तब भी बहुत समय लग जाएगा। वैसे तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ा दिया जा रहा है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक भी टॉपिक आपका छूटा हुआ नहीं है। और एक एक टॉपिक को ले करके पढ़ाना जो है उसमें समय लगेगा ही, सिंपल सी बात है। इतने सारे लेक्चर हो गए हैं, सोचिए दूसरे चैप्टर तक ही। तो मेरा वो काम नहीं है कि मैं बीच बीच में बस ये पढ़ा के छोड़ दूँ, वो पढ़ा के छोड़ दूँ, बस हो गया, एक लाइन मैंने पढ़ा के छोड़ दिया, थोड़ा समझा दिया, बस हो गया। ऐसा मैं नहीं करता हूँ, ना ही पसंद है। ठीक है, और इसीलिए शायद हमारे चैनल पे कम व्यूज आते हैं और कम सब्सक्राइबर भी हैं। ठीक है, तो जैसी आपकी मर्ज़ी, आप लोग शेयर नहीं करते होंगे तो कोई बात ही नहीं है, उसमें बार बार कहने की क्या ज़रूरत है। आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो मन कहे वो कीजिए। ठीक है, और नहीं भी देखने का मन कर रहा है तो देखवे मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्टेज बैलेंस सिस्टम में इसमें भी देखिए क्या है, ये हमारा अल्टरनेटर है, ये हमारा रिले है, ये हमारा CT है, CT2 है और ये CT1 है। ठीक है, तो CT की ये सेकेंडरी है, तो इसमें CT की सेकेंडरी जो है सीरीज अपोजिशन में जुड़ी होती है। दोनों CT आपस में सीरीज में जुड़ा होता है लेकिन अपोजिशन में जुड़ा होता है, सीरीज अपोजिशन। इसमें CT की सेकेंडरी सीरीज अपोजिशन में जुड़ा होता है, जिससे इसमें करंट और EMF दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों में EMF एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। दोनों में करंट एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो दोनों में करंट भी एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। दोनों में EMF भी एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो मैं EMF को लेकर के चलूँगा, फिलहाल करंट की बात नहीं करूँगा। तो वही चीज़ है कि इसमें सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का CT यूज़ किया जाता है, इसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का CT यूज़ किया जाता है। इसमें CT की सेकेंडरी वाइंडिंग इस प्रकार सीरीज अपोजिशन में जुड़ी होती है, सीरीज अपोजिशन लिख सकते हैं, अपोजिशन मतलब उल्टा, अपोजिशन में जुड़ी होती है, जिससे इसमें उत्पन्न EMF एक दूसरे के अपोजिट दिशा में हो या करंट अपोजिट दिशा में हो। समझ में आया, दोनों की बात हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो करंट की बात इसमें ना ही करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वोल्टेज वाला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इसमें रिले किस में जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है। इसमें रिले इसमें रिले CT के SD वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, हो गया, ये हो गया। तो ये आपका वोल्टेज बैलेंस सिस्टम है। अब इसका ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जब फॉल्ट कंडीशन आएगी, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक एक चीज़ को हम धीरे धीरे लेकर के चलते हैं, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, जब कोई फॉल्ट ना हो, जब कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है, जब कोई भी फॉल्ट ना हो तब की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में दोनों सीटी के एसडी में करंट इक्वल होगा, करंट इक्वल होगा। करंट इक्वल होगा क्यों? क्योंकि समान ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का है ना, तो करंट क्या होगा? इक्वल होगा। और रिले में जीरो करंट फ्लो करेगी, जीरो करंट फ्लो करेगी। कैसे पता चलेगा? देखिए होता क्या है कि रिले में करंट, अगर रिले में करंट की बात करेंगे तो करंट बराबर वोल्टेज बटे इम्पीडेंस होता है। तो सिंपल सी बात है, ईवन, देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं। अब करंट I1 बराबर आपका क्या है? करंट I2 है, बराबर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो तब यहाँ पे क्या होगा? E1 बराबर आपका क्या होगा? E2 होगा। E1 बराबर आपका क्या होगा? E2 होगा, ठीक है। जब E1 बराबर E2 होगा तो ऐसी कंडीशन में रिले में करंट बराबर E1 माइनस क्या होगा? E2 होगा। E1 माइनस E2 होगा बटे क्या होगा? जेड होगा। जेड मतलब इम्पीडेंस, तो ये तो बराबर जीरो आएगा ना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो इस रिले में दोनों का डिफरेंस आएगा ना, रिले पर जो वोल्टेज प्रोवाइड होगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। या रिले में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों का वोल्टेज भी आपस में क्या है? बराबर है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर होगा तो करंट हमारी क्या होगी? जीरो फ्लो करेगी, ठीक है। तो रिले में करंट हमारा क्या होगा? जीरो होगा। तो रिले ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट हो गया। हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में मतलब फॉल्ट, फॉल्ट हो गया। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया? फॉल्ट हो गया। माना बाइंडिंग, फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन। अब आपको पता है कि फॉल्ट कंडीशन जब होगी तो किसी एक रिले में करंट का मान क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी एक रिले में करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा ना, किसी एक रिले में करंट ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, किसी एक रिले में करंट कम इंड्यूस्ड होगा। इस कंडीशन में I1 इज नॉट इक्वल टू I2, I1 इज नॉट इक्वल टू I2, ठीक है। होगा जिससे E1 इज नॉट इक्वल टू E2 होगा। तो सिंपल सी बात है, अब किसी एक में करंट ज़्यादा होगी तो किसी एक में EMF भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें करंट ज़्यादा होगी उसमें EMF भी ज़्यादा होगा। तो E1 मतलब E2 के बराबर अब नहीं होगा,
समझ में, E1 इज नॉट इक्वल टू E2, ठीक है। तो इस कंडीशन में जिससे होगा होगा, इस अवस्था में, इस अवस्था में रिले में करंट फ्लो होगी और रिले ऑपरेट होगा, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे फॉल्ट आ जाएगा तो किसी एक सिटी में करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसमें ईएमएफ भी ज़्यादा होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में E1 इज नॉट इक्वल टू E2 और I1 इज नॉट इक्वल टू I2 हो जाएगा, ठीक है। तो तुरंत रिले क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। रिले क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो रिले करंट, रिले में करंट बराबर आपका E2 बटे आपका क्या होगा, इम्पीडेंस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। अब रिले क्या होगा, ऑपरेट होगा, तो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, सिंपल सी बात है। बस इतने लिखे, रिले क्या होगा, ऑपरेट होगा। उसके बाद रिले ऑपरेट होगा तो रिले का MC FC से सट जाएगा, फिर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराएगा तो सर्किट ब्रेकर का MC FC से अलग हो जाएगा, ये सारी चीज, ठीक है। ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कुछ कमियां या फिर एडवांटेज हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जब दोनों EMF समान होगा तो करंट इसमें क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, वो तो पढ़ा दिया गया है। इस विधि का प्रयोग फेस शॉर्ट सर्किट इसका प्रयोग फेज टू फेज फॉल्ट फेज शॉर्ट सर्किट ऐसे लिखे, फेज शॉर्ट सर्किट, फेज आपका क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। इंटर टर्न फॉल्ट अर्थ फॉल्ट फॉल्ट के विरुद्ध जनरेटर ट्रांसफार्मर टीएक्स लाइन तथा फीडर में किया जाता है। ये चीज़ तो आपको पहले ही बताया कि डिफरेंशियल रिले का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, सबसे ज़्यादा किस में, जनरेटर में। जनरेटर को ही अल्टरनेटर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाइए, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए फेज शॉर्ट सर्किट, फेज आपका क्या हो जाए, दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। इंटर टर्न फॉल्ट, दो टर्न आपस में क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसकी बात इंटर टर्न फॉल्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या है, एडवांटेज, एडवांटेज अगर देखेंगे तो क्या है इसका एडवांटेज, इसमें रिस्ट्रेनिंग क्वाइल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें रिस्ट्रेनिंग क्वाइल
की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रिस्ट्रेनिंग कॉइल की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे बड़ा फायदा ये है। यह मेथड अधिक विश्वसनीय है उसकी अपेक्षा, अधिक रिलायबल है। अधिक रिलायबल है, ठीक है। अब इसमें कमियां की अगर बात करें तो कमियां मतलब ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज, इसमें कौन सी कमी है? इसमें कमियां कहाँ हैं? देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, दोनों का ईएमएफ बराबर होने के कारण करंट ट्रांसफार्मर में कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए करंट ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, जिससे इम्पीडेंस बढ़ जाता है, तो ये डिसएडवांटेज है। इसमें कमियों की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों सीटी में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, इसलिए इस मेथड में सीटी ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में। समझ में आया? ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, अर्थात इम्पीडेंस क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, जो सर्किट की इम्पीडेंस बढ़ा देता है। समझ में आया? देखिए, सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंडीशन होगा, दोनों ईएमएफ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो करंट जीरो होगा, दोनों स्विटी में करंट जीरो होगा। तो करंट जीरो होने का मतलब है कि उसका इम्पीडेंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सीटी हमारा ओपन सर्किट है, तभी तो करंट जीरो है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो करंट जीरो है, इसका मतलब इम्पीडेंस क्या है, ज़्यादा है हमारा। तो इम्पीडेंस अगर ज़्यादा होगा तो पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो इंक्रीज होगा, इम्पीडेंस इंक्रीज होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा, तमाम सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और रिसीविंग एंड पर कम वोल्टेज मिलता है। समझ में आया? तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं इसके। तो हालाँकि बहुत कम डिसएडवांटेज है इसका, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मेथड है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। अब तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि कल ही पढ़ा करके ख़त्म कर दिया जाएगा।